के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। कुख्यात अपराधी चंदन सिंह के नाम पर डॉक्टर से रंगदारी मांगने वाले 3 बदमाशों को पुलिस ने दबोचा, एसएसपी ने किया खुलासा। सांसद कमलेश पासवान की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिला विकास संवेयन एवं अनुश्रवण समिति की बैठक, 2 अक्टूबर तक जनपद को ODF कराने के दिए निर्देश। ट्रक पर लदे सरिया को लूटने का प्रयास करने वाले एक अभियुक्त चढ़ा पुलिस की हत्थे, SSP शलभ माथुर ने किया खुलासा। और इंडिया आशा बहु कार्यकर्ता कल्याण सेवा समिति का आंदोलन हुआ तेज, CMO कार्यालय का किया घेराव, दिया ज्ञापन। रुपयों के विवाद में हुई युवक की मौत का मुख्य आरोपी 10,000 का इनामी चढ़ा पुलिस की हत्थे, SSP ने किया खुलासा। विश्व पर्यावरण दिवस के पूर्व संध्या पर विश्वविद्यालय के संवाद भवन में आयोजित हुए विविध कार्यक्रम, लोगों ने प्लास्टिक के प्रयोग न करने का लिया संकल्प। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर हिंदू वाहिनी, भाजपाइयों और व्यापारियों ने मनाया जन्म उत्सव, केक काट कर दी बधाई, प्रसाद के रूप में चढ़ाया 46 किलो का लड्डू। रोजगार मेले में शामिल होने के लिए लाभार्थी 5 और 6 जून को विकास भवन में करा सकते हैं पंजीकरण, कौशल विकास मिशन के जिला संवेदन ने दी जानकारी। चंद्रा कमेटी की रिपोर्ट लागू करवाने के लिए डाक कर्मियों का हड़ताल रहा जारी, राजस्व का हो रहा है भारी नुकसान। और गोरखपुर सब जूनियर लीग में TNM क्रिकेट अकेडमी को 6 विकेट से और गुड्डू सिंह क्रिकेट अकेडमी को 7 विकेट से मिली जीत।